It's not a game, it's a rich game. गुड मॉर्निंग गाइज, इंद्रलोक की हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। थर्सडे के दिन लगती है और मॉर्निंग में लगना स्टार्ट हो जाती है। 4 बजे तक मार्केट ऐसे ही लगती है, पूरी रौनक रहती है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे ना तो मार्केट स्टार्ट हो जाती है, जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे से ही। जगह जगह पे आपको सेल नजर आएगी, 350-350 में आपको साड़ियां मिल जाती है। यहाँ पे लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं, उसका बस एक ही रीजन है, चीज अच्छी मिलती है और सस्ती मिलती है, और हर टाइप की चीज आपको इधर मिल जाएगी। साड़ियों में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। डेली वियर की अगर आपको साड़ी चाहिए, 250 और 350 की रेंज में आपको डेली वियर की साड़ी मिल जाती है। 1000 की रेंज में आपको पार्टी वियर साड़ी मिल जाती है। पार्टी वियर साड़ी भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तब तक आप ये डेली वियर की साड़ियां देखिए कि कितने सारे कलर्स है, किस तरीके के डिजाइन है और किस तरीके का आपको मटेरियल मिलेगा। अगर आपको अपने लिए दुपट्टे वगैरह चाहिए है ना, तो आपको इतने सुंदर बनारसी दुपट्टे मिलेंगे, वो भी सिर्फ 350 में। बुटीक पीस थे और काफी ज्यादा अच्छे थे, मल्टीपल आपको डिजाइन मिल जाते हैं। आपको हल्का दुपट्टा चाहिए, भारी कढ़ाई का दुपट्टा चाहिए, हर तरीके के ऑप्शन के पास रहते हैं और प्राइस भी इतना ज्यादा रीजनेबल होता है। आप प्लेन कुर्तियों के ऊपर इस तरीके के दुपट्टे ले सकते हो, कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अगर आपको डाइएबल चाहिए है ना, तो डाई कराने के लिए भी आपको दुपट्टे इधर से मिल जाएंगे। बाकी मुझे जो ऑफ व्हाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। आजकल काफी ज्यादा ये क्रेज में भी है और काफी ज्यादा ट्रेंड में है, लोग व्हाइट और गोल्डन के कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा पहन रहे हैं। आपको मार्केट में बहुत ज्यादा ये कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलने के बाद कपड़ा ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको भी अपने लिए कुछ इस तरीके के ऑप्शन चाहिए ना, तो आपको इंद्रलोक मार्केट आना पड़ेगा, वो भी सिर्फ थर्सडे को मॉर्निंग में 10 बजे के करीबन मार्केट लगना स्टार्ट हो जाती है और शाम को 4-4:30 बजे तक ही लगती है। दुपट्टे आपको एक से बढ़ के एक मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हो ना, तो मतलब आप अपने पॉकेट का ध्यान रखें, आप अपने मोबाइल का ध्यान रखें, क्योंकि जितनी भी सस्ती मार्केट होती है ना, वहाँ पे चोरी वगैरह के ज्यादा इंसिडेंट होते हैं। अगर आपको 250 की रेंज में डेली वेयर के सूट चाहिए है ना, तो इस टाइम पे कॉटन के बंधेज के सूट काफी ज्यादा अच्छे आए हुए थे। ये पिंक वाला सूट देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरीके के सूट ना आपको यहाँ पे 500 की रेंज में मिलेंगे, अगर आप बंधेज के विद दुपट्टा अच्छी क्वालिटी वाले सूट ले रहे हो। अदरवाइज जो साइड में ऑरेंज कलर का सूट है, ये सब आपको 350-350 में मिल जाएंगे। ये वाला सूट भी आपको 350 में मिलेगा, बट जो पिंक वाला था ना, वो आपको 500 की रेंज में मिलेगा। यहाँ पे सूट्स की इतनी ज्यादा वैरायटी है और एक से बढ़के एक आपको सूट मिलेगा। बंधेज वाला सूट मैं दोबारा बता देती हूँ, 500 रुपए का है, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि 350 रुपए का है, वो आपको 500 रुपए का पड़ेगा। उसमें कलर भी बहुत सारे हैं। जब आप इंद्रलोक मार्केट में आओगे ना, तो गलियों में इतनी ज्यादा शॉप है, शॉप्स पे भी मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली जो सूट की प्राइस रेंज रहती है ना, वो आपको 250 ही मिलेगी। कॉटन के सूट मिलने वाले हैं और काफी अच्छे सूट थे, वैरायटी इतनी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। 350-500 रुपए की रेंज में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे सूट रहते हैं। आप इनको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे आपको लेने देने में यूज करना हो, पर्सनल यूज में आपको करना हो। आप खुद देखिए कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं और सारे के सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कोई कमी है या कपड़े में कोई कमी है, बस ये है कि मार्केट सस्ती है तो आपको चीजें सस्ती मिल जाती है। और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स है जो बहुत ज्यादा सस्ती है। अगर आप वो सारी वीडियोस देखना चाहते हो, उन मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो जितने भी नए लोग हैं उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेली एक नई वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छा स्टफ एक्सप्लोर करती हूँ, अलग अलग मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ, तो जिससे आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होती है कि कहाँ पे क्या चीज आप ले सकते हो। बाकी सूटों के डिजाइन आपको पता ही है, कितने सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बुटीक पीस पे अगर आपको चाहिए ना, तो शॉप्स पे आपको बुटीक पीस मिल जाएंगे, 350 की रेंज में मिलने वाले हैं ये सारे सूट। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, जिसने अगर प्राइस नहीं सुना है वो एक बार दोबारा सुन ले। यहाँ पे जो मोस्टली प्राइस रेंज चलती है ना सूटों की, वो 250, 350 और 550 रहती है, जो इस तरीके से आपको बाहर देखने को मिलेगी। अगर आपको अपने लिए दुपट्टे चाहिए, दुपट्टों के यहाँ पे ना अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के दुपट्टे आपको सिर्फ 100 रुपए में मिलेंगे, जबकि 100 रुपए में आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, इतने सस्ते दुपट्टे कहीं पे भी नहीं मिलते। हाँ, बट ये दुपट्टे आपको इंद्रलोक
मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का जो एथनिक वियर रहता है ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो डिजाइन इतने ज्यादा अच्छे आते हैं, मेनली जो बुटीक पीस रहते हैं ना वो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मेरी मम्मी को भी ये वाली मार्केट बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो अगर आप बड़ों का एक्सपीरियंस लोगे ना तो उनको यहाँ पे मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली सूटों में और साड़ियों में। तो अगर आपको सूट और साड़ियाँ पहनना पसंद है ना तो आपको इन लोग मार्केट जरूर विजिट करना चाहिए। और जितने भी लोग रेड लाइन पे हैं उनके पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्केट लगती है, क्योंकि इंद्रलोक मार्केट रेड लाइन पे ही लगती है। अगर साड़ी चाहिए और अच्छी रेंज में चाहिए, लाइक 800 और 1000 रुपए की रेंज में, तो आप इस तरीके का ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर किसी को 250 वाली ही साड़ी पसंद आए, यहाँ पे 1000 रुपए की रेंज भी है। 1000 रुपए में आपको इस तरीके की बनारसी साड़ियाँ मिल जाएंगी, और ये काफी ज्यादा सुंदर साड़ियाँ हैं। जो साड़ी आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या फिर मिंत्रा से मंगाते हो ना, उनसे तो फार बेटर ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप स्टफ को टच करके देख सकते हो, फील करके देख सकते हो कि क्वालिटी फैब्रिक की कैसी है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी साड़ी मंगाते हो ना, थोड़ी ढंग की साड़ी मंगाते हो, तो वो भी आपको अराउंड 1000 to 1200 पड़ेगी, और यहीं से सेम चीज आपको बेटर क्वालिटी में 1000 रुपए में मिल जाएगी। और बनारसी साड़ियों में कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। ये वाली साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिनको साड़ी पहनने का शौक है ना उनका शौक यहाँ पे आपके पूरा हो जाएगा, वो भी इतने ज्यादा सस्ते प्राइस पे, क्योंकि इनकी ना साड़ियां ही बहुत ज्यादा अच्छी थी। स्पेशली वो पिंक वाली साड़ी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, और सामने डिस्प्ले पे भी है, तो इनके पास ना काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। 140 रुपीस पर मीटर आपको यहाँ पे फैब्रिक मिलेगा, इस तरीके के थान आपको मिल जाएंगे, आप कोई भी कपड़ा लो 140 रुपए मीटर पड़ेगा। अगर आप बनारसी कपड़ा ले रहे हो, इसमें डिजाइन मल्टीपल्स हैं, सामने डिस्प्ले में है कुछ डिजाइन, कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का फैब्रिक आप यहाँ से ले सकते हो। फैब्रिक के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से कपड़ा पसंद नहीं आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक से बढ़के एक शॉप है जहाँ से आप फैब्रिक ले सकते हो। बट जो यहाँ के बुटीक पीस है या फिर जो पार्टी वेयर सूट है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको मार्केट में 3,500 में हैवी सूट देखने को मिलता है, बट इंद्रलोक मार्केट में वही सेम पीस आपको 1000 से लेके 2000 रुपए की रेंज में बहुत ही हैवी सूट देखने को मिल जाएगा। साड़ियों की तो बहुत ज्यादा वैरायटी थी, ये वाली साड़ी है जो आप देख रहे हो ना ये आपको 350 रुपीस की रेंज में पड़ेगी। साड़ियों की जो क्वालिटी थी ना वो मुझे काफी ज्यादा सही लगी। इन वाले भैया के पास दो वैरायटी की साड़ियां थी, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना ये आपको पड़ेगी 250 की, और कुछ साड़ियां थी जो आपको 350 की पड़ेगी। जैसे वो बनारसी साड़ी है ना वो आपको 350 की पड़ेगी, साथ में ब्लाउज का कपड़ा आएगा, बस आपको पेटीकोट अलग से खरीदना, वो तो आप कहीं से भी कोई भी साड़ी लो आपको अलग से लेना ही पड़ता है। ब्लाउज का कपड़ा इस तरीके से साथ में आने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बनारसी साड़ियों में भी। बहुत सारे लोगों को ना बनारसी साड़ियां बहुत अच्छे से बांधनी आती है, कुछ लोगों को शिफॉन की साड़ियां बहुत अच्छे से बांधनी आती है, तो साड़ी बांधना भी अपने आप में एक कला है। मुझे साड़ी बांधना नहीं आता है, ना मेरे से प्लेट बनती है, बट मैं बहुत बार लोगों को देखती हूँ कि उन्होंने बनारसी साड़ियों की भी इतनी सुंदर तरीके से प्लेट्स लगाई होती है, इतना सुंदर तरीके से ड्रेप करा हुआ होता है। तो अगर आपको भी साड़ी पहनना पसंद है ना तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। अगर आपको शिफॉन की भी साड़ी चाहिए ना तो वो यहाँ पे आपको अराउंड 250 और 350 की रेंज में मिलने वाली है। साड़ियों में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो डिजाइन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो पहली बार आ रहा है ना उनको मैं आप बता दूं कि यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ना कि आप भूल जाओगे किसी भी नॉर्मल जनरल मार्केट में जाना, क्योंकि यहाँ पे ना चीजें इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा सस्ती है। अब सूटों की ही बात कर लो, जो ये वाले कॉटन के सूट थे ना मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे, और आप सोच रहे होगे ना कि हर जगह सूटों का सेम प्राइस है, कहीं पे 350 कहीं पे 250, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के सूट ले रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि उनका प्राइस उसी हिसाब से रहेगा। जैसे ये वाले सूट जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना ये आपको 350 की रेंज में पड़ेंगे, कहीं कहीं पे जब आप इनसे अच्छे सूट देखोगे वो आपको 500 की रेंज में पड़ेंगे, बट जो नॉर्मल सेल रहती है ना इस तरीके की वो आपको 350 की ही देखने को मिलेगी। जन्नत कलेक्शन का ये मटेरियल था, और जो जन्नत कलेक्शन है ना वो आपको पड़ेगी डिस्पेंसरी वाली गली में। मेनली मैं दो ही गलियां कवर करती हूँ जब भी इंद्रलोक मार्केट जाती हूँ, एक तो मैं करती हूँ जन्नत कलेक्शन जो छोटी मस्जिद और डिस्पेंसरी वाली गली है, वो जन्नत कलेक्शन, सोनू टेक्सटाइल, ये कुछ मेन शॉप है जिनको मैं हमेशा कवर करना पसंद करती हूँ। उसका रीजन ये है कि इनका स्टफ भी काफी अच्छा रहता है और प्राइस भी काफी बढ़िया रहता है। मेन कंसर्न जो लोगों का रहता है वो प्राइस का ही रहता है। अगर आपको पार्टी वेयर सूट चाहिए, कुछ हैवी रेंज में चाहिए, 850 रुपए की रेंज में आप इस तरीके के ऑप्शंस देख सकते हो। इनके पास जो सूट थे ना वो थोड़े हैवी वाले थे, प्राइस रेंज जो थी वो थोड़ी
हैवी थी, 850-1000 रुपए की रेंज में आपको सूट मिलने वाले, बट सूट का फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा था। अगर आपको गर्लिश लुक में कुछ चाहिए ना और 1000 रुपए की रेंज तक आपको सूट चलेगा तो आप इस तरीके के ऑप्शन देख सकते हो। इनके ऑप्शन सारे ही बहुत बढ़िया थे, स्पेशली इनके पार्टी वेयर सूट मुझे इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। 1000-1000 रुपए की रेंज में आपको इतना सुंदर सूट मिल जाएगा। ये वाला सूट मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसका कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। टर्मरिक येलो तो मेरा फेवरेट कलर है, टर्मरिक येलो और मेजेंटा वाइन कलर, ये 3-4 कलर डार्क ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और ये कोई भी कलर कॉम्प्लेक्शन हो, अब बिना किसी कन्फ्यूजन के आप इन कलर्स को ले सकते हो, ये हर एक कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जचते हैं। अब मैं आपको कुछ और सूट दिखा देती हूँ। आप सोच रहे होगे ना आज की पूरी वीडियो में मैं सूट क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ना 2-3 व्यूवर्स मेरे बहुत ही ज्यादा रेगुलर व्यूवर हैं, वो मेरी सारी वीडियो देखते हैं। उन्होंने मुझे बहुत बार कमेंट किया कि मैम हमें देखना है इंद्रलोक मार्केट में किस तरीके का एथनिक वेयर मिलता है, किस तरीके के सूट मिलते हैं, प्लीज एक प्रॉपर वीडियो सूट्स पे बनाएं। तो स्पेशली उनके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई जिसमें मैंने सिर्फ सूट दिखाए हैं, सूट और साड़ी दिखाए हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है ना तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। पीछे वाले जो सूट थे ना वो भी सेम प्राइस रेंज में थे, 550 रुपए की रेंज में। आपको यहाँ पे ना 150-150 में इस तरीके के प्लाजो सेट भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे हार्डली बहुत मुश्किल से ऐसा रहता है कि 200 रुपए के मिल रहे, बट नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी देखोगे ना आपको 150 की रेंज में मिल जाएंगे। और लेगी वगैरह तो यहाँ पे आपको 100-100 रुपीस में मिल जाते हैं, जगह जगह ऑप्शन होते हैं लेगी वगैरह के, तो आप इस तरीके के कॉटन के ऑप्शन से यहाँ से चूज कर सकते हो। प्लेन कुर्तियों के नीचे भी पहन सकते हो, या टी शर्ट के साथ पहनना तो टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है तो ये बहुत अच्छे से काम देते हैं। 350 का मुझे सूटों का एक ऐसा कलेक्शन देखने को मिला कि मुझे 1% यकीन नहीं हुआ ये सूट सिर्फ 350 के, बट ये सच में 350 रुपए के थे। देखिए सारे के सारे ना पार्टी वेयर सूट है और इतना अच्छा कलेक्शन था वो भी सिर्फ 350 में। अगर आपको 650 रुपए की रेंज में कुछ अच्छी क्वालिटी के सूट चाहिए ना, तो जो डिस्प्ले पे थे ना वो वाले सूट आप देख सकते हो, उसमें डिजाइन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के सूट नॉर्मली यहाँ पे ना 350-550 और 650 की रेंज में रहते हैं, अलग अलग रेंज रहती है, फैब्रिक अलग अलग रहता है। बार बार मैं सूटों की रेंज आपको पता है क्यों बता रही हूँ, कि आपका एक माइंड सेट हो जाए, आपको पता लग जाए इस वाली मार्केट में सूट कितने के मिलने वाले हैं। आपको बिल्कुल हल्के वाले सूट चाहिए, सस्ते वाले, लेने देने वाले चाहिए, आप 250 वाली रेंज में जाओ, उससे ऊपर वाले सूट आपके डेली वेयर वाले सूट आ जाते हैं, वो आपको मिलेंगे 350 में। 550 वाले जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब ये वाला सूट देखिए, कैन यू इमेजिन ये वाला सूट कितने का होगा, सिर्फ 350 रुपए का था। और सेम सूट येलो और बेबी पिंक कलर में मेरे पास है, वो मैंने अपनी शादी के टाइम पे खरीदा था, सेम मटेरियल था, और वो वाला सूट ना मुझे 2250 कुछ का पड़ा था और यहाँ पे 350 रुपए में मिल रहा था। जब मैंने ये सूट देखा ना, मैंने मम्मी को देखते कहा, सूट देख के कुछ याद आ रहा है क्या, मम्मी बोली चुप रहे तुम, मम्मी का ये रिएक्शन था। और आप देखो ना कि आपको कितने सस्ते सस्ते सूट मिल जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते यार, बुटीक पीस आपको 350 रुपए में मिल रहा है, और मतलब ऑप्शन इतने ज्यादा अच्छे थे। मैं तो सोच रही थी हमारे घर में किसी की शादी नहीं, 4-5 सूट ले लेती मैं, और ये बहुत सही काम में आने वाले हैं। अगर आपको और अच्छे सूट चाहिए 350 में, कुछ मतलब शादियों में लेने देने के लिए चाहिए है, या फिर किसी की संदूक में रखने के लिए आपको सूट चाहिए, तो आपको ना जगह जगह इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमेशा मैं एडवाइस करूंगी कि अगर किसी के घर में शादी आने वाली है ना, तो वो एक बार 2-3 मार्केट में, आपको बता रही हूँ, एक तो इंद्रलोक मार्केट है, एक चांदनी चौक की मार्केट है, आप इन दो मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा सस्ती है, आपका बहुत पैसा सेव हो जाएगा, और 350 रुपए में आप मतलब सोचो ना कि आपको इस तरीके के सूट मिल रहे हैं। और भाई लेने देने में ना जो 51-51 सूट, 21-21 सूट दिए जाते हैं ना, वो इसी तरीके के दिए जाते हैं, कोई नहीं 2-2 हजार रुपए के ऐसे सूट देता है। तो अगर आपको भी पैसा बचाना है और अच्छी शॉपिंग करनी है, तो आप एक बार जरूर इन दो मार्केटों को ट्राई करो, आपको बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी में चीजें देखने को मिलेंगी। बैंगल्स वगैरह यहाँ पर नॉर्मली 100 रुपए में ही मिलेंगे, ज्यादा चिक चिक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इनका फिक्स प्राइस रहता है, ये 100 रुपए में ही चीजें देते हैं। और जो डिजाइन रहेंगे ना कड़ों के, वो आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे, छोटे साइज का, बड़े साइज का, ब्रॉड साइज में आपको कड़ा चाहिए, हर एक वैरायटी यहाँ पे रहती है। और ऐसे कंटेनर्स में जो प्लास्टिक कंटेनर रहते हैं ना, वो आपको मिलेंगे। और जो स्टोन वाले कड़े रहते हैं ना, ये आप ऐसे
पार्टी वियर में भी पहन सकते हो, किसी के घर शादी है उस शादी में भी पहन सकते हो, या फिर डेली यूज में अगर आपको कुछ हैवी पहनना पसंद है तो उसमें भी पहन सकते हो। और जिनकी नई नई शादी हुई है तो उनके पास तो चूड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, तो उनके लिए भी काफी अच्छे ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर मैं पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन निकालू या पूरी वीडियो पे एक बात बताऊं आपको, तो यहाँ पे फैब्रिक जितना आप देखोगे ना बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इवन अगर आपको अपनी शादी के लिए हैवी सूट भी चाहिए ना, वो भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। जो सूट आपको लाजपत वगैरह में ना 6,000-6,000 में मिलते, वो यहाँ आपको 2,000-2,500 में, मैक्स टू मैक्स 2,500 में मिल जाएंगे।